हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। एप्पल ने दो अपडेट्स पुश किया है, दोनों ही पब्लिक स्टेबल वर्जन है। 16.7 iOS 16 पे चलने वाले लोगों के लिए और iOS 17.0.1 iOS 17 पे अपडेट कर चुके लोगों के लिए। अपडेट का साइज देख लेते हैं दोनों ही अपडेट्स में। तो 17.0.1 जो है ये 430.2 MB का अपडेट आया है मेरे iPhone 14 Pro Max पे, और iPhone 14 Plus पे आया है 16.7 का अपडेट 5.35 GB का। अब इतना बड़ा अपडेट क्यों आया है? ये मेरा 14 Plus जो है ये बेटा अपडेट्स के ऊपर था और यहाँ पे 16.7 का RC वर्जन मेरे डाउनलोड इंस्टॉल कर चुका था, लेकिन फिर से यहाँ पे पूरा 16.7 का पब्लिक स्टेबल वर्जन आया है। और अगर ये अपडेट आपको देखने नहीं मिले तो बेटा अपडेट्स को एक बार ऑन करके फिर से ऑफ करो और फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट में चेक करो, आपको ये अपडेट्स देखने मिलेंगे। दोनों ही फोन्स के अंदर अवेलेबल फ्री स्पेस जो था वो अलग अलग था, यहाँ पे देख सकते हैं। अपडेट करने से पहले का ये 17 पे था, 7.0 पे, ये 16.7 RC पे था। तो यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस था 15.45 GB, ये 701 GB का अवेलेबल फ्री स्पेस था 14 Pro Max। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस पे आप, और अपडेट के पहले का जो मोडेम फर्मवेयर है वो 14 Pro Max पे था 2.08.02 और iOS 16.7 वाले 14 Plus पे था 1.80.02। iOS 17.0.1 और 16.7 का अपडेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 17.0.1 में अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है और 16.7 में स्लाइटली घट गई है। तो 19-20 का फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है, बाद में आ भी जाती है। और यहाँ पे आप बिल्ड नंबर देखेंगे तो दोनों ही में नए बिल्ड नंबर है, इसी वजह से 16.7 का RC होने के बावजूद फिर से ये अपडेट जो है मेरे iPhone 14 Plus पे आया है, क्योंकि इसके अंदर एंड में 19 है बिल्ड नंबर के अंदर। दोनों ही अपडेट्स के अंदर कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर आपको देखने नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली वही मोडेम फर्मवेयर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोनों अपडेट्स में क्या कुछ नया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 16.7 के बारे में। 16.7 के अंदर एप्पल ने 21 न्यू इमोजीज जो है ये पुश किया है। इसके अलावा इस अपडेट के अंदर कोई भी नई चीज देखने नहीं मिलेगी। अभी अपडेट पुश क्यों किया है वो समझ लीजिए आप। ये अपडेट पुश करने का रीजन है जो लोग iOS 17 पे अपडेट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, यानी कि iPhone 8 से लेके iPhone 10 यूजर्स, या फिर वो लोग जिनको लगता है कि एप्पल अपडेट पुश करके उनके iPhone को स्लो कर देगा, वो लोग iOS 16.7 के ऊपर अपडेट करके लेटेस्ट जो बग फिक्सेस है और सिक्योरिटी अपडेट्स है उसका फायदा उठा सकते हैं, अपना फोन सेफ रख सकते हैं। और यहाँ पे एप्पल के सिक्योरिटी रिलीजेस में आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ बग्स जो है एप्पल ने इसके अंदर फिक्स किया है। ये है उनके रिलीज नोट्स इस वाले अपडेट के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्नल सिक्योरिटी यहाँ पे कुछ और वेबकिट के अंदर कुछ थ्रेड्स वगैरह थे उसको फिक्स किया है यहाँ पे एप्पल ने, लेकिन इसका आपके फोन के परफॉर्मेंस वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा हमको, तो इसके लिए हम जाते हैं Geekbench में, हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। CPU स्कोर जो मैंने पहले निकाला था और अभी का, तो पिछला स्कोर था 1745-4694, आज का है 1739-4629, तो कोई फर्क नहीं है। और जीपीयू बेंचमार्क जो है पहले थे 12,718 और आज है 12,543, अगेन कुछ फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। तो बग फिक्सेस के लिए अपडेट करना चाहते हो तो 16.7 एक सेफ अपडेट है, आप उसको कर सकते हो, लेकिन फिर ग्रीन स्क्रीन आ गया, कुछ आ गया, तो वो भाई नसीब अपना अपना। iOS 17.0.1 इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें तो बिल्कुल आपको कुछ जो है नया देखने नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू एप्पल। एप्पल ने कोई चीज मेंशन नहीं किया है, बस यही मेंशन किया है कि यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने मिलने वाले हैं, और सेम चीज आईपैड ओएस के लिए भी है, और यही वेबकिट वगैरह के अंदर जो भी थ्रेड्स थे उसको एप्पल ने एलिमिनेट किया है। और बात करें अगर हम परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस देखिए जैसा था वैसा ही आपको शायद देखने मिले, इसलिए मैं हमेशा Geekbench के बेंचमार्क जो है उस पर रिलाई करता हूं ताकि हमको पता चल जाए कि पहले के मुकाबले कम है या ज्यादा है, क्योंकि जनरल परफॉर्मेंस तो वैसा ही रहता है, कुछ ज्यादा उसमें डिफरेंस आपको देखने मिलता नहीं है। 13 सितंबर का पिछला स्कोर देख लेते हैं हम, 1902 और 5437 था, और आज का है 1906 और 5380, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और जीपीयू बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 15594 और आज का है 15399, तो सेम वही 19-20 का फर्क, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं उसके लिए लाना चाहता हूँ फ्रेम में अपने iPhone 15 Pro Max को। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि इसके अंदर कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे इसके अंदर कोई भी अपडेट नहीं आया, iOS 17.0 पे ही है अभी तक। तो 17.0.1 जो है ये iPhone 15 सीरीज के लिए नहीं रिलीज किया है एप्पल ने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे iPhone 15 Pro Max के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि 17.0.1 के अंदर क्या 14 Pro Max में आई है या नहीं। तो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में चलता हूं मैं 15 Pro Max में, और यहाँ पे चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिला है जिसके अंदर 80% पे आप चार्जिंग को लिमिट करके रख सकते हो। तो चलिए 14 Pro Max में इसको तलाश करते हैं। तो आगे हम इसमें बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में, और इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। और 16.7 और 17.0.1 पे चलने वाले दोनों डिवाइसेस की बैटरी हेल्थ भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कोई फर्क नहीं आया, जो अपडेट से पहले थी वही अपडेट के बाद भी है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा। और नेटवर्क परफॉर्मेंस वैसा ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई
कोई मोडेम फर्मवेयर का अपडेट नहीं आया है। क्या आपको iOS 17.0.1 या 16.7 पे अपडेट करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपका फोन वारंटी में आप अपडेट कर लीजिए, अगर वारंटी में नहीं है तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के फोन के अंदर जो है प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवेयर इश्यूज आ रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड का नेटवर्क आईसी उड़ गया अपडेट करने के बाद iOS 17 पे, उसका iPhone 10R था। और मैंने एक बार एप्पल स्टोर विजिट किया था तो वहां पे काफी सारे लोग अपने डिस्प्ले के प्रॉब्लम्स और बहुत सारे हार्डवेयर इश्यूज जैसे स्पीकर खराब होना और बहुत सारी चीजें लेके आ रहे थे। तो पता नहीं क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद आईफोन्स एक्चुअल में खराब हो भी रहे हैं। अब इसका कोई एग्जैक्ट रीजन मुझे भी पता नहीं है, उन लोगों को भी पता नहीं है, बस ये चीज है कि अपडेट के बाद बहुत सारे हार्डवेयर फेलियर्स हो रहे हैं डिवाइसेस। तो जब तक के कोई ठोस जो है एप्पल से जवाब नहीं आता, थोड़ा सा केयरफुल होके ही आप लोग अपडेट करो। बाकी देखिए, अगर एक से ज्यादा आईफोन्स है और थोड़ा सा रिस्क आप उठा सकते हैं तो अपडेट करने में समझदारी है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस और सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं। लेकिन अगर एक ही आईफोन है आपके पास तो सोच समझ के अपडेट करना, क्योंकि आपका टाइम पास हो सकता है सर्विस सेंटर विजिट करने में और पैसे भी खराब हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप बताइए आपको कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने अपडेट किया नहीं किया, जो भी आप सोचते हैं नीचे कॉमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए। उम्मीद करता दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।